दूसरा कौन सा एज पढ़ेंगे? द मीसोलिथिक एज, मीसोलिथिक मतलब द मिडिल एज के बारे में पढ़ेंगे। टूवर्ड्स द एंड ऑफ पेलिथिक एज विच लास्टेड फॉर मोर देन अ मिलियन ईयर्स द क्लाइमेट स्टार्टेड टू गेट वार्मर। दिस क्लाइमेट चेंज रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। अब क्या कह रहे हैं, पेलिथिक एज के एंड में, जब यानी पेलिथिक एज एंड हुआ होगा, मीसोलिथिक यानी द मिडिल एज वो हुआ होगा शुरू। अब पेलिथिक एज कह रहे हैं मोर देन अ मिलियन ईयर यानी मिलियन साल तक वो पेलिथिक एज रहा, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभी देख रहे होंगे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उस टाइम पे क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज होना शुरू हुआ और वो थोड़ा बहुत गर्मी से उसमें क्लाइमेट में आने लगी, नहीं धीरे धीरे गर्म होने लगा क्लाइमेट। और उससे क्या हुआ, जो भी क्लाइमेट चेंज हुआ उससे क्या हो गया कि जो भी सेवरल नए नए प्लांट, नए नए तरह के एनिमल और प्लांट की स्पीसीज हैं वो जन्म लेना शुरू की गई। जैसे पहले कुछ पेड़ पौधे होते होंगे, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज, कुछ और नए तरह के पेड़ पौधे उगे हैं। इट मेड लाइफ इजियर फॉर द अर्ली ह्यूमन, दिस पीरियड इज कॉल्ड मीसोलिथिक एज। अब ये जैसे जैसे नए एनिमल्स और नए प्लांट्स और उगने शुरू हुए, तो उसने क्या है, जो इन ह्यूमन्स की लाइफ और इजी बना दी, और इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, मीसोलिथिक एज। ठीक है स्टूडेंट्स, द चेंज दैट टुक प्लेस इन नेचर ड्यूरिंग द मीसोलिथिक एज चेंज द लाइफ ऑफ द अर्ली हंटर गैदर्स इन मैनी वेज। अब कहते हैं जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हुआ और जिस तरह से नए नए प्लांट्स और एनिमल्स जन्मे, उन्होंने उन जो हंटर्स और गैदर्स थे, जो भी नोमैड्स हैं यानी जो भी आदि मानव थे, उनकी वाइफ को, लाइफ को चेंज किया। किस किस तरह में, दे स्टार्टेड मेकिंग बेटर टूल्स नोन एज माइक्रोलिथ्स। अब वो और ज़्यादा बेटर टूल्स बनाने लगे उनसे, और उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको आप याद रखिए। माइक्रोलिथ्स क्या थे, उस टाइम के जो भी धातु के यानी जो मेटल या फिर और ज़्यादा मॉडिफाइड टूल्स थे, कौन से एज के, मीसोलिथिक एज के, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ्स। दीज टू लुक लाइक स्टोन ब्लेड्स एंड हेल्प इन एक्टिविटीज लाइक फिशिंग, कैप्चिंग बिगर एनिमल्स। अब एक तरह से स्टोन ब्लेड की तरह लगते थे, यानी थे तो पत्थर की, और थोड़े बहुत उसमें और धातु जो उस टाइम पे उनको मिले होंगे उन्होंने ऐड किया होगा, तो किस काम आते थे, लाइक फिशिंग यानी मच्छी मारने में काम आते होंगे, कैप्चिंग बिगर यानी जो बड़े ज़्यादा जानवर हो गए, जो कि काफ़ी बड़े होते थे, हाथी टाइप हो गए, तो उनको भी वो मारने में, उनको या फिर कैप्चर करने में वो हेल्प करता था, वो उनका टूल। नाउ डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। द क्लाइमेट चेंज इन द मेसोलिथिक एज लेड टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स लाइक वीट, बार्ले एंड राइस। अब जैसे जैसे कहते हैं जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, तो नए जैसे पेड़ पौधे कैसे हुए, जैसे वीट हो गए, गेहूं जो आज हम खा रहे हैं, बार्ले हो गया, बाजरा, राइस, चावल के जो पेड़ पौधे हैं, वो उस कब, मीसोलिथिक एज से ग्रो होना शुरू किए गए थे, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ। तो इससे क्या हुआ, उस टाइम के जो लोग होंगे उनको खाने के लिए और ज़्यादा मिला होगा, ठीक है। द मीसोलिथिक हंटर गैदर्स माइट हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग एंड ईटिंग सीड्स, दीज सीड्स। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट वेन दे ऑब्जर्व न्यू प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम सीड, दे थॉट ऑफ ग्रोइंग इन देयर ओन फूड। अब जैसे से नए पौधे उन्होंने देखा कि हाँ ये वीट है, ये राइस का पेड़ है, उसको उन्होंने पहले कच्चा खाया होगा, तो उन्होंने देखा इसको खाया जा सकता है। और उन्होंने एक और चीज़ क्या नोटिस की होगी, जब इनके जो बीज हैं वो जब ज़मीन में गाड़े जाते हैं तो उनसे नया प्लांट निकलता है, तो उनसे क्या पता लगता है कि वो, उनको इससे क्या पता लगा कि हम जो अपना प्लांट है जो खाने का वो उगा सकते हैं, तो उन्होंने इसको भी उगाना शुरू किया होगा उस टाइम पे। ग्रेजुअली दे ऑल्सो मस्ट हैव लर्न दैट दे कुड टेम एनिमल्स बाय गिविंग दैम फूड, ठीक है। द डॉग वॉज प्रॉब्ली द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। अब क्या कह रहे हैं, वो धीरे धीरे उन्होंने जाना होगा कि जो भी जानवर है उस टाइम पे उनको एक तरह से वो पाल सकते हैं, यानी पालतू बना सकते हैं, उनको खाना देकर, जैसे आज हम कुत्तों को रोटी देते हैं ना तो वो अच्छा मानते हैं, इस तरह से उन्होंने देखा होगा कि जो भी जानवर है उनको अगर खाना दें, कुछ कुछ जानवर, तो वो उनको एक तरह से पाल भी सकते हैं। तो इसमें क्या कि द डॉग उस टाइम पे जो कुत्ता रहा होगा यानी डॉग जो आज भी लोग पालते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो फर्स्ट एनिमल रहा होगा जो उन्हें पाला होगा, ऐसा इनका मानना है। बाय द एंड ऑफ मीसोलिथिक एज ह्यूमन बींग्स वर प्रोबेबली मूविंग टूवर्ड्स मोर सेटल्ड लाइफ। द प्लांट ग्रोअर स्टार्टेड सेटिंग डाउन नियर वाटर बॉडीज। लेटर ड्यूरिंग नियोलिथिक एज दे बिगन टू स्टेट एट वन प्लेसेस फॉर लॉन्गर पीरियड। वी विल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब क्या कह रहे हैं,
अब जो मिसोलिथिक एज में क्या होगा, ये सब जो मैंने बताया वो सब चीज़ें हुई। अब कह रहे हैं उसके एंड में, यानी मिडिल एज के एंड में ह्यूमन बींग क्या है, कहाँ पे ग्रो किया, मोर सेटल्ड लाइफ में, यानी वो सेटल होना शुरू किया। पहले क्या इधर से उधर घूमता रहता था, अब वो धीरे धीरे सेटल होना शुरू किया गया। अब जैसे जो लोग पेड़ पौधे उगाना सीख गए थे, उन्होंने देखा होगा कि किसी बीज को बो के नया पेड़ पौधा उग रहा है, तो वो कहाँ वाटर बॉडीज़ यानी पानी के जो भी स्रोत हैं उनके सामने वो भी इकट्ठा होना शुरू हो गए। ठीक है, अब इस चैप्टर ये, अब ये सब किसके अंदर आता है, जहाँ पे वो मतलब पेड़ पौधे उगाने, ये आता है नियोलिथिक एज में, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ मीसोलिथिक साइट्स इन इंडिया। नाउ मीसोलिथिक साइट्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट इंडिया। मेजर अमंग दिस आर द साइट्स इन द प्लेन्स इन गुजरात, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका एंड आदमगढ़ मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर झारखंड, साइट्स अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर बिटवीन गाजीपुर एंड वाराणसी उत्तर प्रदेश, बेंगलोर, बुद्धा पुष्कर राजस्थान, बिरधानपुर वेस्ट बंगाल एंड संगना कल्लू कर्नाटका एसेट्रा। तो ये जो अभी नाम मैंने पढ़े सारी साइट्स का हैं, मीसोलिथिक साइट्स हैं इंडिया की। मीसोलिथिक यानी मिडिल मिडिल स्टोन एज। अब इसमें से क्या कहते हैं, भीमबेटका एंड आडमगढ़ मध्य प्रदेश, ये मैंने आपको मैप में भी पढ़ाया था कि ये मेगालिथिक साइट्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, भीमबेटका हो गई, ठीक है, और ये जो साइट्स हैं इनमें ज़्यादातर कहते हैं कि गंगा गंगा नदी है, क्योंकि नदी का स्रोत है, उसके आसपास ये ज़्यादातर साइट्स पाई गई हैं। तो इनकी भी आप एग्जांपल याद रख लेंगे कि मिथोलिथिक साइट्स पे कौन कौन सी हैं। ठीक है, नाउ रॉक पेंटिंग्स प्रेशियस रिमेन्स ऑफ द पास्ट। अब क्या कहते हैं, उस टाइम पे जो जो भी उस टाइम पे नोमैड्स थे या फिर ह्यूमंस थे, वो क्या करते थे, पत्थरों पे पेंटिंग क्या करते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो भी पेपर वगैरह तो होते नहीं थे, ना ही वो फिर कुछ ऐसे मतलब प्लेन सरफेस पे वो करते थे, तो जो उनको मिलता था यानी पत्थर ही उस टाइम पे सबसे ज़्यादा वो यूज़ में लेते थे, स्टोन्स, तो स्टोन्स पे ही पेंटिंग करते थे। नाउ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स अबाउट द अर्ली ह्यूमंस आर रॉक पेंटिंग ऑफ द स्टोन एज। तो जैसे मैंने आपको बताया रॉक पेंटिंग करते थे, फाउंड अराउंड द वर्ल्ड एट द रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश, मोर देन 500 पेंटिंग्स बाय पेलियोलिथिक एंड मीसोलिथिक ह्यूमंस हैव बीन फाउंड। अब कहते हैं ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सब पत्थरों जो पेंटिंग उस टाइम पे की गई होंगी वो पाई गई हैं, और इंडिया में इसका एक एग्जाम्पल कहाँ पे है, द रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे 500 से ज़्यादा पेंटिंग उनकी पाई गई हैं, कौन सी, पेलियोलिथिक एंड मीसोलिथिक ह्यूमन, जो भी मतलब अर्ली स्टोन एज के जो भी ह्यूमन्स थे उनके द्वारा। नाउ दीज केव्स हैव बीन लिस्टेड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को। नाउ अब यूनेस्को क्या है, यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जहाँ पे मतलब कई सारे कंट्री के लोग जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। सपोज करो जैसे अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा मोदी जी ब्रिक्स की मीट में गए, जैसे ब्रिक्स सम्मेलन हो गया, इस तरह से कई सारी यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें से एक है यूनेस्को। यूनेस्को का काम क्या है, यूनेस्को कहते हैं जो भी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो भी मतलब पुराने हेरिटेज साइट्स होती हैं, हेरिटेज साइट होगी और एजुकेशन से रिलेटेड साइट्स होगी, उनको वो लिस्ट करता है अपने उसमें वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में। तो उनमें से जो भी ये मध्य प्रदेश में जो भी भीमबेटका है, उसको यूनेस्को ने लिस्ट किया है एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ दिस पेंटिंग एनिमल्स हैव बीन शोन सेपरेटली एज अ पार्ट ऑफ हंटिंग सीन्स और रनिंग आफ्टर हंटर्स। बर्ड, फिश, लिजर्ड्स, क्रैब्स, फ्रॉग्स एंड स्कॉर्पियंस हैव ऑल्सो बीन ड्रॉन। सम पेंटिंग्स ऑल्सो शो मैन एंड वुमेन, रेड एंड वाइट वर द मोस्ट वाइडली यूज कलर्स। अब उन पेंटिंग में क्या क्या उन्होंने शो किया है, उनमें ज़्यादातर एनिमल्स वगैरह हो गए, ठीक है, हंटर्स हो गए, जो उस टाइम पे हंट करते थे, तो उस टाइम पे लोग सबसे ज़्यादा काम क्या करते थे, तो वो हंटिंग का ही काम करते थे और एनिमल्स वगैरह से ही घिरे रहते थे, क्योंकि और कुछ उनमें डेवलपमेंट थी नहीं पेंटिंग से रिगार्डिंग भी, तो उन्होंने भी वही बनाते थे, जो भी वो एनिमल्स हो गए, जो भी वो हंट करते थे, और कहाँ पे बनाते थे, पत्थर पे।
और उसमें क्या है कि रेड एंड व्हाइट वर द मोस्ट वाइडली यूज कलर्स, और रेड एंड व्हाइट कलर ही सबसे ज़्यादा उसमें यूज़ किया गया है। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे ना कलर्स तो वो होते नहीं थे, तो नेचुरली कलर जो भी इन्हें मिलते थे लाइक सफ़ेद पत्थर हो गया, सफ़ेद पत्थर से वो सफ़ेद कलर से सफ़ेद कलर यूज़ करते थे, और जो ईंट आज के ज़माने जैसे ईंट हो गई लाल, ऐसी कोई उस टाइम पे लाल पत्थर वो होता होगा, तो उसको यूज़ करके वो व्हाइट एंड रेड कलर में पेंटिंग करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर।